लिया तो मेरे स्टाफ का मतलब ये 25 साल ही काम कर रहा है बैठ जा बरादरी की धर्मधर एंडी भी करा रहा मेरे यार तो बैठ जा मेरे इसकी गलती को ना शराब भी नहीं मानेगा मैं भी ना मानना जब ठेले तले आ लिया कांच लेकर ली दारू वाला जब मान जाएगा जब उन लोगों का पट जाने पट्टा आते जब कैसे जा सकता है मन ने जो बता करता और बड़ा बुरी चीज वो है क्यों असल में छोटे स्कूल टाइम में चौथी पांचवी जब पैग लेकर लागे देगा और क्यों घर डर के टूक देते ना अब अगली गांव है नेहर सिंह के टाइम में क्या हाल होगा बट्टा मान्य करते जो दीप चल जाए सारे जाकर ढोल की थाली आ जाए भूखे मरते गांव हमारे के नहीं तो मन में कोई ना ब्याह था अगर थोड़ा कि हम मैं बचपन से संपन्न पट डाले क्या ऐसा गांव नहीं है जिसने 10 नौकरी रागनी और मिली आदमी एक्साइज इंस्पेक्टर रागनी छोड़ के ला था शुगर मिल में इनकम टैक्स में बिजली बोर्ड में बेना कितनी जित रागनी का जुड़े नौकरी मिल गई आज समय बदल गया आज इज्जत हो रही है जब लठ मारा करते फिर मन ने सोचे रहो दादा भी पैग मारा दादा के चले रहे थे तो वे पी ले पर भाई ओ तो उतार था मारी नहीं इतनी लंबी थी भाई बार अरे वो तो चोखा टाइम पर छुट्टी आज भगवान के दादा के छुट्टी गायब 16 साल हो गए बीड़ी तक नहीं पीते अब देखिए मेहर सिंह जयंती पर मेहर सिंह की तो गाड़ी गानी चाहिए यदि दूसरे कवि की इन कवियों ने तुम नेता गिंत्रिया जात पात पर मत ले जाओ अग भाई वो था दादा नो था वो जाट था वो ब्राह्मण था वो चूड़ा था वो चमार था नहीं कवि एक संपदा है इस देश की बढ़िया कोई हो पहले और आज क्यों उनकी इज्जत होनी चाहिए ये तो मेरी बात छोड़ो चौधरी हो बैठे हो तुम एक बताओ तुमने बात आज जो जात पात का जहर घोल रहे हैं चौधरी छोटू राम की कैबिनेट में 80 मुसलमान एमएलए थे 80 जब ये बिल पास किया 1935 में ये जो तुम बैठे हो सारे वही थे थर दौड़ना था कुछ भी ये धरती छोटू राम की देन है जो 36 बिरादरी जिसके नाम एक भी गवी धरती है ना थर दौड़ना था दगे उस जगदीश नंबर आगने का आग्रोवा डामा डोल जमाने ने दी आँख खोज नरना रागी वो सारी रागने ने भूल कर वो तुम्हारा ही रागनी बना दी उसमें थारे बारे में कह रखा है बड़े बड़े तुम थे मुजारे जमीन बोया करते छोटू राम ने ये कर दिया जो धरती ने बोया हमने लिख दो ये वही खाते जब जलाए थे इस रागनी में भी है बड़े बड़े जमींदार थे भी एक जगह ना टिका गया पहला तो था ही फिर तिहाई फिर आधे पर ना डटा गया 20 एकड़ का बिल बना गया असेंबली में रखा गया जो धरती ने बोया करते उनका कब्जा लिखा गया साहूकार आकर धक्के मिल गए बैठी तार मुजारा की ऊंच नीच का ख्याल रहा ना भाजड़ पड़ी सारे के उसके गुण गाओ 36 बरादरी जो तुमने बैठने जगह देगा 80 एमएलए थे मुसलमान जिसमें से 77 एमएलए सर छोटू राम के साथ थे मुसलमान हो गए मोहम्मद अली जिन्ना के ने 3 थे और आज भाई वो टाइम हमारे जहर गोल दिया ये मार दो रो जल्दी दाओगे हमारा पड़ोसी पहला काम आओगा इस बात में सोचो एक रागिनी की फरमाइश पंडित जी की वो रागिनी और रागिनी भी कहां से ये 100 रुपए भाई जगबीर मेरे भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद Yeah.
इससे कहानियों में बताया जाता है कि भाई धुलेंडी वाला दिन पिचकारी लाग गई जमल दौरा उसकी मन निकल उड़े थे खेल बिगड़ गया पर दगे पुंडिया ने रागनी में बता भी रखी खेल कितने बिगड़िया हो सुनियो टुकर बिगड़िया रागनी के द्वारा क्योंकि जमल बूंदी गढ़ बह रखा था उसकी मनी भी बूंदी गढ़ गई थी नवली जमल कोई बात ना तेरे मेरे दो नेक से दो नेक कौन से बताए बामने वाला भाई दलेल चोलका जिंदाबाद कहोगे भाई 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद और दो ने चुपकर बताए किस हिसाब से बताए पंडित जी ने ले देखा देखा दिल जह दे दिया तो कति नहीं बजाओगा क्यों बुरा मत मानियो भाई या सटेज है मनोरंजन का साधन मैं कहो भी अपने न हो तीन कौम भूखी अच्छी हो शक्ति यार करेंगी जात लोटा दानक जात छक्के होगा क्या फोड़ेगा क्या फोड़ा होगा जोटा में इसने बोले पास भी छक्के और होगा ना क्या गिरेगा नो मारा नफे है मेरे जो पिताजी के समान है और नक्शे की अंगली लेक पकड़ी आ जाएगा तारी और के सोर लाएगा पर छक्के और ताने भी काम नहीं देगा उधर कोई इसने लाइन पे ले जाएगा भाई नफे चालिए क्यों उड़े गए हाँ चौधरी चालेंगे को गरा बूझ लिया कर पी देगा अब तीन से जाएंगे मेरे यार गरा बूझ लो बोला गरा क्या बूझना है बोला ना गरा बूझ दे ए बल्ला ए बेटी देखे पीपे में चून सही नहीं है बोले आऊ न बूझ जाएगा वह बोली बोले बाबू ये बोला 5 दिन का चून और है जब भाई नाटक बोला ना चौधरी साहब काल है अपनी 300 रुपये की खाचे कर लिया है देखिए भाई आज देश पिस्तौल टंगिया नहरे गए और वह मन को ये भाई जो मंडा सब आ जाएगा जो कोई ना पाओ पिस्तौल ना लौड़े क्या कहा Thank you.
सत्य बरवाड़ा से काफी पैसे पहले 100 रुपये और, और भाइयों जय बोलनिया 100 रुपये और भाई का बड़ा धन्यवाद भाई हमारे गांव के भांजे हमारे भांजे राजेंद्र 100 रुपये बड़ा धन्यवाद। और नाम तो बता दे भाई कभी रागिनियों का जंक्शन रहे शमचाड़ा गांव से रहने वाले भाई पंडित जगन्नाथ के गांव से 100 रुपये भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद। और भाई कईयों के नाम रह गए माफी चाहूंगा बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई 10 रुपये इनाम की देते हैं नाम नहीं बताया बड़ा बड़ा धन्यवाद। सत्य मान जाता मैसा जी कर पंचर साल लपेट दो रागनिया ने चटकले रे फिर पल इतने सुनाया ना करूं आप रागनी की खिंचाई देख ले ले तेरे की तेरा पैर मारे बैठा था बिना टिकट था टीटी आगे ने बोलिया टिकट दिखा बोला क्या कहता है टिकट में रेल की खिंचाई देख ले ले तो खिंचाई देखे लो रागनी की संपन्नता आती है पंडितों ने इतने रुपये लाते हैं आगे दो कितने रुपये 6 चीज बताई जो रस खान काल में सिंधु मारे बूढ़े मारे ने सियाने थे पैसे कण पड़ते 1 साल के गरीब तगरीब आदमी ठेका ला लिया करता आप ताजा जो ये नोट बंद हो गए थे आंधे दे लाइना में खड़े सारे वही हो गए थे डड के डड बिजली प्रजा धरती पाट दिया खाने रोटी होने चाहिए कितने छाने जो रस गोरस गहू का दूध पाल पुलिन तुरंग जैमल तुरंग माने घोड़ा 6 चीज बताई थी दादा कौन सी बुला रणबीर सिंह मलिक साहब हमारे गोती 100 रुपये 100 रुपये भाई ने नाम नहीं बताया ये प्रेमी 20 रुपये
और 100 रुपये सत्ते मेरे भाई भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। राय साहब दनपट डूबनू का अगरता तो 2 लाख आदमी बैठो कच्चे शाम ताई बोला बेटा तू इन टापर टावर देख लिया बूढ़ा ने मैं आप देख लूंगा तब आई तुम शराबी शराबी मेरी बरादरी है भाई देख जाओ लोग गन नहीं लड़ जाओ मैं अगारी की तम देख जाओ हमारे पुराने मित्र कृष्ण भाई 100 रुपये बड़ा बड़ा देना देखिए कैसी रागनी हो कवि कैसे थे उसमें भी ज्ञान दिया करते एक तुलसी का दोहा लिया लेकिन तुलसी की छाप ने काटी पुण्य दिया ना नाम लिया कई जगह लक्ष्मी चंद ने भी मेहर सिंह ने भी दोहे ले रखे हैं कवियों के अच्छी बातों के लोगों को समझाने के लिए लेकिन दगेरावन का नाम लिया है लोगों ने कोई ना छाप काट ली आए का आदर कर दे चलते ने शीश निभावे तुलसीदास इसे बंदिया थे ईश्वर रोज मिलावे आए गए की टहल करे नर परम पति फल पावे और गुरु मान सिंह लक्ष्मी चंद ने सहज सहज समझाओ आगे भगत नहीं चलने का होता है मेरा इसी प्रकार इसमें भी तुलसी ने 2 ज्ञान दिए भाई एक तो दुश्मन हो तो दुश्मन का वंश जरूर चापना चाहिए कई आदमी पापी आदमी मिटा देते हैं उसका भी नाश होगा एक दिन और दुश्मन संपन्न भी होना चाहिए जब मेरे कैसा लांडा साधा वाला रोल डोले काटा कसाई का भी तंग करेगा ओछी हरकत करेगा क्या कहा था दाने? संत समागम हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दो जमल ये हरि कीर्तन संतों के समागम होते हैं तुलसीदास ने कहा कि 2 प्रकार क्यों हुए एक तो गोरख धुने पे 12 साल खड़ा रहे और एक डेरा बना ले बरवाले धोरे देखिए तो एक तो लूटन खाने का सोता हूं हरेक भगवान की तुलसीदास ने कहा है कदे ब्राह्मण का दोष लाओ क्या कर भाई बात तो ठीक चल रही है तो भी राम के नाम है और वो भी मेरी रागनी गाते हैं गांव दिए भी रागनी है गांव भाई पहले सतवीर और भी फर्क से इसमें मामन ने बताया ना फर्क से क्या कहा भाई ऋतुराज और मेरे भाई सत्य काफी पैसे पहले 100-100 रुपये और बढ़ा दिया छोड़ाने से सूरज भान धनखड़ साहब 100 रुपये नाम लिख दें धनखड़ साहब का बदला तुलसी दुर्लभ तो जमले
भैया साहब, बहुत अच्छे कवि। भैया साहब बहुत बढ़िया कवि, कर्नल साहब 100 रुपए हमारे गुरु के समान, बड़ा बड़ा धन्यवाद। मेरी बात चल ले और किधर बेरा नहीं हो, मन्ना अपनी बरादरी की पिछाड़ है, मन्ने बेरा आज भी देगा जो कू देखा होगा, मैं नाम तो गेल मैं ना जाऊ रुपये लेने, मन रुपये की जरूरत हो तो जब मैं 15 साल रागी नहीं छोटी दारू पी का पड़ा रहा, जब बन ले लो इनको बाण की उम्र थोड़ी रही है, कोई बात नहीं तो पी लिए फिर मेरी डाला ना चोरी करता पुगेगी। अरे भाई एक बात और बता दू, शराबी भैया ने मैंने दारू छोड़े पूरे 12 साल हो गए थे बादली, मेरा प्रोग्राम और सुनिए रेटी खाली मैंने वैसे विकास पास और आ गए, एक मैं 2-3 दिन तक डांगी गए होटल में कितना रात न कितने, फिर फरीदाबाद भी जाना, फिर एक और गए ऐसा उम्र इतनी दिखती ना गई, इतने साल पी रहा पहले नुबार कलौरिया का हक मार। और भाई उड़े क्या होया आवाज ना लकड़ी कौड़े 10,000 आदमी बैठे, और भाई पास हो रिया कर्जा पटक लोग नुबंगे इसने खवा दिया कम न बोले रहा तू तो एक पैग ले ले दारू पिया करता, 12 साल में मैंने पैग लिया अपने हाथ तक आ लगा, अच्छा इतना मैंने एक पैग मिलो नहीं मेरा, अब तू किछे क्यों क्यों जरम मर गई थी रागनी मेरे तो नहीं गाई गई आवाज नहीं लकड़ी, पर वो है अबकला की जो सुबह आंख खुलते रात में 2 बजे लग जाओ 3 बजे न्यू का न्यू, अब दारू चाहिए चाहे नाश हो जाओ। मैं हूं रमेश, ये तो काम बिगड़ गया, मैंने जब भाई गाड़ी माँ फरीदाबाद लादे सीधी बीरबानी ताई बोले माँ भी इतना टूक बगा दिया दिल्ली में 3 दिन ताई माँ चाहे रो लोगो ताला मत खोल, वो दिन पाछे कान पकड़ लिया तो भाई चाखड़ी में 20 साल छोड़ दियो न्यू का न्यू उड़े आ जाएगा, चाहे दारू छोड़ के देख लो चाहे कई साल बीड़ी छोड़ के देख लो, जिस दिन घूट मार ली उसे दिन तो शुरू हो जाएगा। सच्चाई है यार, अगर डट जा मैं भी पछताऊ तो डट जा। एक सरदार जी रेल में बैठा टीटी ताई ने बोला भाई ओगल सुन, बोले हाँ और लोग जाना ना जब मैंने तू जगा दिए, ने बोला भाई सरदार जी नशे में तू ना जा क्या था, अरे बोले मैंने तू उठा के गिर दिए लिख कर दे, बोले ला मैंने उठा के गिर दिए तो लोग जाना लदाना जा लिया, सरदार जी की आंख खुल ली अमृतसर वो देखा हो कहां गए पीर जी, बोले अमृतसर उन्हें लागा गाल दे तेरी मां गए तेरी बहन गए तेरा नो फलान दगड़ हराम खोर तुम्हें लोग जाने क्यों ना जगाया। एक जाक सुने नवरे नहीं इतनी आ रही इतने सरदार जी गाल दे तू के सोचने लग रहा है डरता क्यों ना इसके तो नवरे ना मैं नू सोचूं जिस लोग लो जाने के रहा हो कितनी गाल देता होगा। ये कृष्ण छोटे का डट जा मेरा हाँ फिर हमने नारायण करवाया था बमड़ियन, इसकी गलती कोई ना भाई, यो तो बामरे गांव का हजीत दगाड़ रोज भी 35 किलो थिया था, एक शेरा ठाकुर मेरा यार सावड़ का नबला रमेश तो दयार सल्फा उल्फा पीता ना चाल बिना इनके गांव वाले दो नारायण दो सल्फा ले आवाएंगे, ओ नबला भाई ठाकुर साहब गलत आ गया बिना तो सब कैसे बिना भाई मैं के दिया रू थोड़ा बहुत क्यों टला गया साहब तोड़े बिजनेस, बोला भाई ठाकुर भी
है। चौधरी साहब रुपये कम लागते हो घोड़ी ले ले इसका दे दे। अरे भाई और भी कम लागते हो तो मेरा बयालीस की ले लिया वो दस्तक करो। तब उस गांव का हवा ठीक खड़ा था तो ई भर जा जोड़ा दे। आखिरी कली में जो मैं रागनी सुना रहा था वीर सिंह की आधी रात परिंदे बोले चकली जंग हुए थे। दो पक्षी बताए पंडितों ने चकवा और चकली। उनका इतना प्रेम होता है वो चकली अपने पिया से मिलने के लिए रोजाना 50 कोस की उड़ान भर कर आती है। देखिए 50 कोस की उड़ान भर कर रोजाना। और आज आज न्यूए बीरबानी ने छेद देंगे अगता की रोटी ना पोई। एक संबंध होता है बड़ा अटूट संबंध होता है प्यार से निभाना चाहिए। और आखिरी कली में क्या कहता था जाए जासे पिया मिलन